5 दिसंबर साल 1994 यही वो तारीख थी जब तत्कालीन गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई थी। पहले तो भीड़ ने डीएम कृष्णैया को जबरन कार से बाहर खींच लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। फिर कुछ देर बाद ही हिंसक भीड़ ने खाबरा गांव के पास आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि भीड़ में ही पिटाई के दौरान उन्हें गोली भी मार दी गई थी। डीएम की हत्या से दहल गया था बिहार। बाद में पुलिस ने मौकाए वारदात से उनकी खून से सनी लाश बरामद की थी। डीएम की हत्या की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। जी कृष्णैया के मर्डर ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। इस हत्याकांड में अज्ञात लोगों के साथ साथ गैंगस्टर छोटन शुक्ला के भाई को भी हत्या का आरोपी बनाया गया था। इल्जाम था कि उसी ने डीएम जी कृष्णैया के सिर में सटाकर गोली मारी थी। बाद में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नाम आया था माफिया गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन का। जी कृष्णैया की हत्या का मामला आनंद मोहन के लिए गले की हड्डी बन गया था। हाल ही में डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सहरसा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से प्रस्तावित रिहाई की खबरों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में है। हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने तेलंगाना के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदल कर रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने पहले से चले आ रहे कारा अधिनियम में बदलाव किया है। इस संशोधन के जरिए उस वाक्यांश को हटा दिया गया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। अधिनियम में इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा बल्कि इसे भी एक साधारण हत्या मानी जाएगी। अधिनियम में इस संशोधन के बाद अब सियासी गलियारे में आनंद मोहन की रिहाई की अटकलें तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया आसान हो सकती है। आइए आपको सुनवाते हैं बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रिहाई पर क्या कहा। सर, प्रथम तो जो विगत 15 साल से संघर्षरत थे हमारे वो तमाम संघर्षशील साथी समर्थक, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद नहीं, आभार। आपको उम्मीद थी कि आपकी रिहाई इतनी हो पाएगी क्योंकि जो नियम है, जेल मैनुअल्स है, उसके मुताबिक ऐसा संभव नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, कभी आप हमको निराश नहीं देखे होंगे। ये जो मुझे मालूम था, संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जा सकता। उसके मताधिकार एक हैं, दंड के विधान उनके लिए एक हैं, न्याय के विधान एक हैं। तो ये अलग से कोई एक्ट आवे किसी एक प्रदेश में, सभी जगह ये जो लोग चिल्पों मचा रहे हैं, ये हमारा संविधान क्या कहता? आपको भी एक मताधिकार है वोट देने का और राष्ट्रपति को भी एक है। एक तो एक रूपता लगातार कहीं पर क्या है, 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को कि और केंद्र को भी कि कानून में सजा और न्याय में, दंड विधान में एक रूपता हो। ये एक रूपता का तकाजा था। आज जो कैबिनेट का फैसला आया तो उसमें भी था, आप उस फैसले को देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। मेरे मानहानि को तो छोड़िए, हम लोग का मान और सम्मान का कोई माने नहीं रखता है, पॉलिटिकल लोग हैं, है ना, सामाजिक जीवन के लोग हैं, तो ये आलोचना प्रशंसा कोई माने नहीं रखता है। लेकिन कोर्ट तो कुछ है, तो कोर्ट का मानना लोग कर रहे हैं, जो लोग भी इस पर बोल रहे हैं बिना सिर पैर के हल्ला मचा रहे हैं। ये जो कैबिनेट का डिसीजन आया, कैबिनेट ने साफ साफ
डिसीजन अपने डिसीजन में दिया है बिहार सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी बात, एक्ट बिहार में कब आया? 12 में। मुझे सजा कब मिली? 2007 में। बाद का एक्ट पिछले वाले पर लागू होगा कि बाद 12 के बाद से नहीं लागू होगा? तो जब हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते तो फैसला यही होता, इसलिए कभी हम निराश नहीं थे। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है, जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पहले, तो 14 साल सजा काटना है तो 14 साल तो हम काट चुके हैं, 15.5 साल हैं, 1.5 साल ज्यादा हैं उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। बिहार का बच्चा बच्चा और प्रेस और सारा एक एक बिहार का जननेता कोई ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा हो कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है बाय चांस, जो चेतन आनंद प्रेस को हमारे पहले बोल चुका है कि यह घटना बाय चांस हुई। आप कानून क्या था? लोक सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी हो तो परिहार नहीं मिलेगा, यही था ना? तो ऑन ड्यूटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ऑन ड्यूटी ने ऑन वे हुआ है, सड़क पर हत्या हुई, गोपालगंज में ड्यूटी करते हुए हत्या नहीं हुई थी डीएम साहब की, जी कृष्ण अय्यर जी की। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, हम सभी मर्माहत थे, सजा तो सिर्फ हम झेले, सजा तो परिवार उजड़ा लवली आनंद का और परिवार उजड़ा सिर्फ उमा कृष्ण अय्यर का, बीच में तो लोग शोर शराबा चिल्पो मचाने वाले लोग हैं ना? तो और नाहक कहता है बाय चांस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाय चांस ऑन वे ऑन ड्यूटी नहीं। और आनंद मोहन को तो छोड़िए, जो हम अभियुक्त बनाए गए थे, किसी की डायरेक्ट संलिप्तता इस केस में नहीं है। जब संलिप्तता केस में डायरेक्ट नहीं है और ऑन ड्यूटी हत्या नहीं हुई, बाय चांस ऑन रोड हत्या हुई, तो फिर हम इसमें कहां से आ जाते हैं?